दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी तक हमने इस चैनल के माध्यम से अक्षरों के बीच में स्पेस, लाइनों के बीच में स्पेस और पैराग्राफ के बीच में स्पेस के बारे में जान लिया है। इस वीडियो से हम शब्दों के बीच में स्पेस किस प्रकार डाला जाए या किस प्रकार उसे कम किया जाए इसके बारे में बात करेंगे। आप स्क्रीन पे एक पेज में लिखे हुए पैराग्राफ को देख सकते हैं। यहाँ पर हर शब्द के बाद एक करेक्टर का स्पेस है, यानी एक बार स्पेस को प्रेस किया गया है। दोस्तों इसको एक से अधिक करेक्टर का स्पेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम मैन्युअली करेंगे तो जैसे यहाँ पर हमें है, तो यहाँ पर हम आकर के कर्सर रखेंगे और स्पेस बार से एक बार प्रेस कर देंगे, अगले स्पेस के पास जाकर के फिर स्पेस बार करेंगे। इस प्रकार एक एक करते हुए पूरा पैराग्राफ करना मुश्किल है, तो इसके लिए हम एक ट्रिक का यूज करते हैं। बहुत आसान है। आपने अपने कीबोर्ड से Ctrl+H ये फाइंड एंड रिप्लेस के डायलॉग बॉक्स को ओपन करेगा। अगर आप शॉर्टकट से ओपन नहीं करना चाहते तो आप क्या करें, होम टैब पे क्लिक करके यहाँ लास्ट में रिप्लेस बटन आता है, इस पे क्लिक कर दें तो भी यही ओपन होगा। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, जहाँ लिखा है फाइंड व्हाट, यहाँ पर आपने कर्सर रखना है और कीबोर्ड से एक स्पेस दे देना है इस प्रकार से, और फिर अगली लाइन में आना है और यहाँ पर आकर के आपने दो स्पेस कर देने, 1 2। इस प्रकार से हम बता रहे हैं कि जहाँ एक स्पेस होगा उसको रिप्लेस कर देना है आपने दो स्पेसेस में, और फिर आपने रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है। फिर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ हाथों और मैं के बीच में रिप्लेस हो जाएगा। इस प्रकार एक एक कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं एक साथ सारा हो, बार बार रिप्लेस पे क्लिक नहीं करना है, तो आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दीजिए और इस प्रकार से ये फिनिश कर जाएगा और बताएगा कि कहाँ कहाँ स्पेस आया। आप देख सकते हैं कि सभी शब्दों के बीच में दो दो अक्षरों का स्पेस आ गया है। इस प्रकार बहुत बार ऐसी आवश्यकता पड़ सकती है, तो आप बहुत दूर दूर और साफ साफ लिखना चाहते हैं या किसी को बिल्कुल क्लियर मैसेज भेजना चाहते हैं, कहीं भी आवश्यकता हो आप इस प्रकार से स्पेस दे सकते हैं। इसको हटाना हो तो किस प्रकार हटाएंगे, फिर से आप Ctrl+H कर दीजिए और रिप्लेस में जहां पर फाइंड व्हाट है उसके आगे पॉइंटर रख करके आप दो स्पेस दीजिए। हम कह रहे हैं जहां भी दो स्पेस होंगे उनको एक स्पेस में आप कर दीजिए। सिंगल स्पेस हमने दिया, उसके बाद रिप्लेस पे आए तो इस प्रकार से देखिए एक एक आप रिप्लेस ऑल कर दीजिए, ये वापिस सारा का सारा रिप्लेस करके उसको एक में कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेस आए ही ना, तो आप क्या करिए, फाइंड व्हाट में सिंगल स्पेस दीजिए और नीचे आकर के आप कोई स्पेस मत रखिए, खाली रखिए, और इसके बाद रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और रिप्लेस ऑल कर दीजिए इस प्रकार से। तो आप देखिए अब आप क्या देख रहे हैं, सारे का सारा जितना भी स्पेस था वो सारा का सारा हट गया है। कई बार हम टेक्स्ट को पढ़ने लायक नहीं छोड़ना चाहते या उसको कोडिंग में डिकोड करना चाहते हैं, तो वहां पर इस प्रकार से आप कर सकते हैं।